अस्सलामुअलैकुम। रज़वी विजन चैनल में आप तमाम को तहदिल से खुश आमदीद। आप तमाम के सामने मैं एक ज़रूरी पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को इनका मंदिर का उद्घाटन है, तो आप तमाम ही हजरात से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये लोग अपने शोर शराबे के ज़रिए मुसलमानों को जलाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इनके बहकावे में ना आए, न कोई ऐसा काम करे जो क़ानून के ख़िलाफ़ हो, बल्कि ये काम करे। क्या है वो काम? कि आप तमामी हजरात मस्जिदों में और घरों में खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें, खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें मस्जिद में और घर में, ताकि अल्लाह ताला उसका फ़ैसला हमें दे। हमने तो दुनिया का फ़ैसला ले लिए हैं, अब अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं, तो लिहाजा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही फ़ैसला करने वाला है। तो लिहाजा आप अल्लाह से उम्मीद करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह ताला उसका फ़ैसला जल्द से जल्द फरमाए। और सबसे अहम जानकारी ये है कि इसी वजह से मैं आपके बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि आप सारा दिन ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहे, आपको कम सारा दिन ना हो सके, कम से कम आप ज़ोहर की नमाज़ में, उस दिन ज़ोहर की नमाज़ में हर एक मुसलमान बाजमात नमाज अदा करें। ज़ोहर की नमाज़ को बाजमात हर एक मुसलमान अदा करे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। आप, मुझे पता है आप ऐसे वैसे फालतू की वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ऐसे वीडियो शेयर नहीं करेंगे जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना लाजिम है तो आप शेयर कर सकते हैं। बस आप शेयर करें या ना करें, कम से कम ये करें कि आप उस दिन ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे। और याद रखें कि उस दिन 22 जनवरी को आपको मस्जिद के अंदर जाके जमात से नमाज़ अदा करना है, ज़ोहर की नमाज़ मस्जिद में जाकर अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।